करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है देखो, अ कार ऑफ मास 1000 kg, एक मास, एक कार है जिसका मास कितना है 1000 kg, ठीक है, 1000 kg उसका मास, इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, मतलब वो वेलोसिटी उसकी कितनी है 10 m/s, ठीक है, 10 m/s की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, एक्टिंग एक्टेड अपॉन बाय अ फॉरवर्ड फोर्स, मतलब फॉरवर्ड फोर्स उस पर कितनी लगी है, फॉरवर्ड आगे बढ़ने वाली फोर्स। डायग्राम बनाते हैं, देखो ये कार है, ठीक है, उस पर आगे लगने वाली फोर्स कितनी है 1000 N, मतलब फॉरवर्ड फोर्स कितनी है 1000 N, ठीक है, आगे पढ़ो, ड्यू टू इंजन, मतलब इंजन की वजह से तो भाई कोई कार चलती है। अब सेकंड बात उसने क्या कही, एंड रिटार्डिंग फोर्स, भाई वो कमाल की बात है, ठीक है, यही है इसका की पॉइंट, रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोज करने वाली फोर्स क्या है, अपोज करने वाली फोर्स आपकी 500 N, ठीक है, फ्रिक्शन इसको जो रोकती है कार को चलने से, मतलब कार 1000 N से चल रही, ठीक है, अब उसको कुछ फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन जो कि उसके मोशन को कम कर रहा है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी घटा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स आपकी है 500 N की, जो इसके मोशन को अपोज कर रही है गाड़ी है, नैनो लग रही ना ये, हाँ ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो क्या आया, वॉट विल बी इट्स वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है वो क्या होगी 10 सेकंड के बाद, टाइम दे दिया आपको 10 सेकंड्स, और जो फॉरवर्ड वोर्ड तो हमने बता दी, ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स भी लिख देते हैं यहाँ पे, रिटार्डिंग फोर्स कितनी है 500 N की। अच्छा देखो, इसकी 1000 N की फॉरवर्ड है, रिटार्डिंग कितनी है 500, तो अब फोर्स वो कितनी बची जो चला रही है गाड़ी को, ठीक है, आधी तो इसमें से कम हो जा रही होगी, ठीक है, जो आपकी फोर्स है वो आपकी फॉरवर्ड फोर्स माइनस रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगी, ठीक है, तो 1000 - 500 होगी, तो कितनी बची 500 N ही बची जो इसको गाड़ी को चलाती जा रही है, ठीक है, चलिए ये आपको फोर्स आपको पता चल गई। अब आपको क्या करना है, देखो आपको फोर्स पता चल गया, मास पता है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो गाड़ी का, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स मास को आप नीचे ले आओ, फोर्स अपॉन मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, अब मैं जरा इधर की तरफ कर रहा हूँ, ठीक है, फोर्स अपॉन मास, देखो मैं ए लिख दूँ यार इसको ढंग से, 9 लग रहा है, फोर्स कितना है आपका, ये आपने निकाला 500, मास कितना है, मास 1000, तो कटिंग शटिंग करके 1/2 m/s², ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब यहाँ पर उसने कहा था कि वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड के बाद, वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड के बाद, ठीक है, वेलोसिटी निकालो 10 सेकंड के बाद, अब हमें वेलोसिटी निकालनी है। अब देखो वेलोसिटी हमें निकालनी थी 10 सेकंड के बाद, यार देखो ये तो यू हुआ ना फिर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी, फाइनल वेलोसिटी तो चेंज होगी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका u, ठीक है, ये आपका हो गया u। देखो हम हमें इक्वेशन लगानी है, इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at, ठीक है, v निकालना है हमें, u कितना है 10, एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया हाफ, टाइम कितना है आपका 10 सेकंड, ठीक है, तो 2 5 जा, अब 5 + 10 वेलोसिटी कितनी आ गई 15 m/s, ठीक है, वेलोसिटी आपकी 15 m/s गेट, ठीक है, अब दिख रहा है 15 m/s, ठीक है, 15 m/s ये आपकी वेलोसिटी आ गई, ये आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन खत्म, ठीक है, याद रखना ये तो इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, फाइनल वेलोसिटी चेंज करी होगी बिकॉज ये अपोज कर रहा है, ठीक है, इसलिए वेलोसिटी चेंज होगी, तो ये था आपका क्वेश्चन।